मुंगावली में कांग्रेस जीती, 2124 वोटों से ब्रजेंद्र सिंह जीते, लेकिन 2013 में महेंद्र सिंह कालूखेड़ा को 70,675 वोट मिले थे और बीजेपी के राव देशराज सिंह यादव को 49,910 वोट मिले थे। जबरदस्त आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 2124 वोटों से ब्रजेंद्र सिंह यादव जीते हैं और उसके बाद जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो बेहद खुश, और लास्ट में भी ब्रजेंद्र सिंह यादव 2124 वोटों से जीतते हुए मुंगावली में, जहां तमाम नजरें टिकी हुई थी कौन बाजी मारेगा, और एक बार फिर कांग्रेस ने दोनों जगहों पर बाजी मारी है। और जहां तक बात मुंगावली की है तो 2124 वोटों से ब्रजेंद्र सिंह यादव ने परचम लहराया है, उसके बाद तमाम कार्यकर्ता तमाम समर्थक बेहद खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और यहां बीजेपी खेमे में चिंता जरूर होगी, बीजेपी खेमे में आ गए हैं, पूरा देश और मध्य प्रदेश इसको देख रहा था। हमारे साथ खुद ब्रजेंद्र यादव जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं। पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जीत का श्रेय श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जाता है। तो ये जो चुनाव रहा आपका एक डेढ़ महीना का, कैसा रहा और इस जीत को लेकर आप कितने जो है खुश हैं? ये चुनाव तो बहुत चुनौती भरा हुआ चुनाव था, क्योंकि एक तरफ पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरे मंत्री मुख्यमंत्री पूरा प्रशासन, इसके बावजूद केवल हमारे साथ में है हमारे श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और बाकी कांग्रेस पार्टी के सभी पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर, और मतदाताओं का सबसे ज्यादा सहयोग रहा तो मतदाताओं का रहा। आपने मंच पे ये कहा था कि सारे बड़े नेताओं से कि सीएम प्रोजेक्ट कर दें सिंधिया जी को, अब जीत के बाद क्या ये मांग दोहराएंगे आप? बिल्कुल जरूर दोहराएंगे हम इस मांग को, इसी मांग को लेकर हम चुनाव लड़े और इस मांग को जरूर हम दोहराएंगे। अरे एक और चीज बताई, खुद मुख्यमंत्री और उनके तमाम सारे कबीना मंत्री आ रहे, तो कितनी परेशानी भाई इस वजह से आपको? नहीं, हमको कोई परेशानी भाई, इन्होंने अगर परेशान किया तो पूरी जनता को परेशान किया, उनको डराया धमकाया, मतलब इतना दबाव बनाया, हमको क्या डराते धमका चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री और बीजेपी का ओवर डोज रहा चुनाव का, उस वजह से ये चुनाव आ रहे हैं। हाँ, उनका उनको ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, उन्होंने यही समझा कि हम डरा कर धमका कर वोट ले लेंगे, हम पैसा खर्च करके वोट ले लेंगे, लेकिन हमारे मुंगावली विधानसभा की जनता डरने वाली नहीं थी, क्योंकि उनके साथ में हमारे श्रीमंत महाराज साहब खड़े हुए। 600 करोड़ से ज्यादा की मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की थी, इसके बाद भी जनता नहीं पिघली, तो क्या अब दबाव आप पर रहेगा कि उन सब चीजों को विकास को कराना पड़ेगा? भैया ये तो पूरा मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के नंबर 1 के झूठा मुख्यमंत्री है, इनको झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है।